तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वेटपन सॉल्यूशन है। मैं हूं आपका इत्ता चौधरी। और दोस्तों इस वीडियो में, दोस्तों ये जो वीडियो है भारत पे स्वाइप मशीन की सेकंड वीडियो है दोस्तों। जैसा कि मुझे कमेंट में रिसीव हुआ था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि उसको मतलब जो मतलब ट्रांजेक्शन होती है कार्ड के थ्रू और मतलब QR कोड के थ्रू, वो उनको देखनी थी कि मतलब जो उसकी सेटलमेंट है वो जाती तो है, मतलब कहाँ जाती है, मतलब मोबाइल ऐप में कैसे जाती है और इसमें कहाँ शो, मतलब कहाँ शो करती है, और जो इसकी जो सेटलमेंट जो प्रिंट जो निकलता है वो कैसे निकलता है। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने कुछ सेल करा, जैसे हमने लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है लास्ट 5 ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ये हमारे स्वाइप मशीन के ट्रांजेक्शन है। और दोस्तों जो नीचे दिख रहा है आपको फोर्थ में, वो दोस्तों हमारे QR कोड के ट्रांजेक्शन है, जो हमें मतलब भारत पे का जो QR कोड हमें मिलता है उसमें अगर कोई भी अगर फ़ोन के थ्रू अगर कोई उसमें स्कैन करके डालता है तो वो हमें यहाँ पे शो करता है। पहले मैं आपको थर्ड शो कर मतलब दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए, इसमें जितने भी मुझे अभी तक अमाउंट रिसीव हुए हैं स्वाइप मशीन से, वो सारे यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ फोर्थ ऑप्शन में। ये दोस्तों मेरे QR कोड के ट्रांजेक्शन है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, इन सब ने इसमें QR कोड के ट्रांजेक्शन किए हैं दोस्तों। जितने भी स्कैन करके किए हैं वो सारे मशीन में ही शो कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट था कि हम इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों प्रिंट करने के लिए पहले आपको सेल पे जाना होगा, जो अमाउंट आपको डालना है वो डाल के दोस्तों ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो उसी टाइम ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, 1 दबाइए तो आपको प्रिंट निकल जाएगा। और सेकेंड एक ऑप्शन और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, ये जो क्या कहते हैं, एक तो वॉइड है दोस्तों, ये रहने दीजिए, लास्ट का ट्रांजेक्शन है दोस्तों ये जो है हमारे पास। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको प्रिंट करने का ऑप्शन इधर नहीं है, मतलब इसको आप मतलब इसका प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ये आपको ऑन टाइम उसी टाइम प्रिंट होगा जब आपका लास्ट का ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ये पांचवा ऑप्शन खोलेंगे दोस्तों तो हमारा ये जो QR कोड है वो इसमें शो कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जो QR कोड जो आपका वैसे शो करता है वो इसके अंदर शो कर जाएगा, बंदा इसमें स्कैन करके अपने फ़ोन से डाल सकता है। दो दो ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोन में कैसे शो करता है। तो फ़ोन में शो करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ सैम्पल्स। देखिए, जैसे ये हमारा मोबाइल ऐप है भारत पे का, तो दोस्तों ये जितने भी ट्रांजेक्शन आए थे वो यहाँ शो कर रहे हैं। और जैसे ही आप मशीन खरीद लेंगे तो आपका एक भारत स्वाइप यहाँ पे चालू हो जाएगा ऑप्शन, जैसे वैसे आपके फ़ोन में वैसे नहीं होगा। मशीन खरीदने के बाद ऑटोमेटिक कंपनी के थ्रू ये जो ऑप्शन है भारत स्वाइप, ये आपका चालू हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करने का जितने भी आपके स्वाइप मशीन का ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके इस एप्लीकेशन में स्वाइप के अंदर शो करेंगे। जो भी आपका अमाउंट होगा वो अमाउंट इसके अंदर होल्ड रहेगा 15 दिन तक, अगर आप 1% ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं चाहते हैं तो। अगर आप ऑन टाइम निकालना चाहते हैं इसमें से अमाउंट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट है इसमें से निकल के, जैसे कोई बंदा स्वाइप करता है वो निकल के डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चले जाए, तो दोस्तों 1% चार्ज ये करेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि चार्ज ना कटे, कोई मतलब जैसे कोई 1 लाख 2 लाख की अगर ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों, उसमें 1% बहुत ज़्यादा कटता है, तो दोस्तों अगर आप उसको 15 दिन तक अगर आप उसको होल्ड रख देंगे दोस्तों, फिर उसके बाद कोई भी चार्ज इसका नहीं कटेगा। ये फ्रीली 15 दिन के बाद बिना कोई ट्रांजेक्शन चार्ज कटे आपके भारत पे के अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों वहाँ से आप उसको अपने मेन अकाउंट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरे को मतलब जो भी आपको जानकारी थी वो सारी मिल गई हो। अगर और भी कुछ अगर आपको जानना है उसके बारे में, तो दोस्तों आप मुझे इसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन को ऑर्डर करने के लिए आपको भारत पे ही जाना पड़ेगा, वहीं आपको ये मशीन वहाँ पे दिखेगी। दोस्तों पेमेंट आपकी पहले की जाएगी, उसके अंदर लेगा भारत पे। दोस्तों 1 से 2 दिन में आपके पास दोस्तों कॉल आएगा भारत पे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक भारत पे आपको 1 से 2 दिन में आपके पास मशीन ला के दे देगी। दोस्तों एक बंदा आएगा आपके पास, पूरा इंस्टॉलेशन करके जाएगा, हर चीज़ आपको बताएगा, उसके बारे में दोस्तों वहाँ से वो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वेटपन सॉल्यूशन। मैं हूँ आपका इत्ता चौधरी, अब विदा लेता हूँ। जय हिंद।